दोस्तों, मैं हूं राधिका गुप्ता, CEO Edelweiss एसेट मैनेजमेंट, और मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे इन्वेस्टर्स और एडवाइजर्स से बात करके बेहद खुशी हो रही है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपने पिछली बार कब कुछ नया किया था? अपने इन्वेस्टमेंट्स के नज़रिए से अगर आप सोचें तो निवेश बाज़ार में काफ़ी कम विकल्प उपलब्ध हैं। इसी में पिछले दो सालों में IPO मार्केट ने काफ़ी गति पकड़ ली है और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी नए अवसर प्रस्तुत किए हैं। गौर करें आप तो IPO के माध्यम से इक्विटी बाज़ार में काफ़ी नए सेक्टर्स हैं जो भारत की बढ़त में काफ़ी योगदान देखेंगे। IPO मार्केट्स ने पिछले दो साल में सबको काफ़ी आकर्षित किया है और इन्वेस्टर्स ने 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इस माध्यम से इक्विटी में आया है। बढ़ती GDP ग्रोथ, कैपिटल सप्लाई और डिमांड और बेहतर सरकारी योजनाओं की वजह से IPO मार्केट को काफ़ी सहायता मिली है। पब्लिक इक्विटी का फ़ायदा देखते हुए प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेशकों ने भी काफ़ी IPO बाज़ार का फ़ायदा उठाया है और इस माध्यम से एग्जिट किया है। पब्लिक इक्विटी मार्केट का फ़ायदा देखते हुए प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेशकों के लिए भी IPO बाज़ार एक पसंदीदा माध्यम बन गया है एग्जिट के लिए, और इसी मार्ग पे भविष्य में भी काफ़ी सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स IPO बाज़ार की गति को तेज़ रखने में मदद करेंगे। FII ने भी हाल ही में सेकेंडरी मार्केट की तुलना में प्राइमरी मार्केट में ज़्यादा उत्साह दिखाया है। January 15 से अब तक सेकेंडरी मार्केट में FII ने सिर्फ $2 बिलियन डाले हैं और दूसरी तरफ प्राइमरी मार्केट में $11 बिलियन की खरीदी देखी गई है। भविष्य में भी प्राइमरी मार्केट में इसी तरह की तेज़ी जारी रहेगी और इसकी काफ़ी संभावना है। IPO बाज़ार के इतने फ़ायदे होते हुए भी इन्वेस्टर्स कई बार इस फायदे का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। 3 मुख्य समस्याएं हैं: एक्सेस, सिलेक्शन और पोस्ट लिस्टिंग डे गेन। अक्सर पोस्ट लिस्टिंग का लाभ निवेशक चूक जाते हैं। अधिकतर इन्वेस्टर्स लिस्टिंग होने के तुरंत बाद पैसा निकाल लेते हैं। इसे ऐसा करने से आगे की वेल्थ क्रिएशन का अक्सर निवेशक हाथ से निकल जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर इन्वेस्टर सबसे अच्छे IPOs जो 12 महीने में आए हैं उनमें इन्वेस्टेड रहते तो 80% रिटर्न से ज़्यादा बनता, और अगर लिस्टिंग डे पे एग्जिट करते तो सिर्फ 49% रिटर्न बनता। इसलिए IPO मार्केट में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना है तो एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच ज़रूरी है। दूसरा मामला है सिलेक्शन का। सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब IPO फ़ायदेमंद साबित हों, इसलिए IPO सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे पिछले 6 महीने में कुछ IPOs ने -35% रिटर्न दिया है, कुछ ने 360% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। 19 IPO में देखिए, 8 ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और 11 ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण मामला है एक्सेस का फ़ायदा। निवेशक के लिए एक्सेस एक बड़ी समस्या है, इसलिए एक डेडिकेटेड IPO फंड द्वारा निवेश करना ज़्यादा उचित रहेगा। उदाहरण के तौर पे एक IPO है एपेक्स फ्रोजन फूड्स, लिस्टिंग के बाद 350% का रिटर्न दिया है इसने, लेकिन सिर्फ 4 डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स ने उसमें इन्वेस्ट किया है। दूसरी तरफ डीमार्ट जैसे बड़े IPO में 800 इक्विटी फंड में से सिर्फ 59 ने सब्सक्राइब किया था, लेकिन उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड 1% से भी कम था। दोस्तों, कहते हैं पहला मौका पहला होता है, दूसरा मौका सिर्फ कहानियों में मिलता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और IPO मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते हुए Edelweiss में हमने सोचा कि एक ऐसा फंड ज़रूरी है जिसका लक्ष्य IPO निवेश हो। इसलिए हमने Edelweiss Maiden अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड लॉन्च किया है जो भारत के उभरते हुए स्टॉक्स और सेक्टर्स में निवेश करेगा। इस तरह से ये फंड इन्वेस्टर्स की 3 समस्या, एक्सेस, सिलेक्शन और पोस्ट लिस्टिंग गेन का समाधान करेगा। क्वालिटी कंपनी के सिलेक्शन के लिए फंड एक प्रोसेस पालन करेगा। फंड का उद्देश्य फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में निवेश करना है।
ये फंड एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच से ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। इक्विटी बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए ये फंड पुट ऑप्शन में भी निवेश करेगा ताकि गिरते हुए मार्केट में भी निवेशक का पैसा सुरक्षित रहे। एडलवाइज मेडन अपॉर्चुनिटीज फंड एक क्लोज्ड एंडेड फंड है जो निवेशक का पैसा भारत की उभरती कंपनीज में लंबी अवधि के लिए निवेश करेगा, मुख्य रूप से आईपीओ। आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट नियमों के अधीन है। सारी योजना संबंधित पत्र और जानकारी निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें।